मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम हैं न्यू दिल्ली के मेट्रो स्टेशन जीटीबी नगर पे और आज हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे मेट्रो में सफर करना है, कैसे जाना है, क्या करना है, नहीं करना है। तो ये मैं गेट से एंट्री ले चुका हूँ और यहाँ पे देख रहे हैं कोविड के कारण यहाँ पे सैनिटाइज किया जा रहा है। हमें सैनिटाइज करने के बाद ये हम यहाँ पे पहुँच गए। अब सबसे पहले सफर कैसे करें। सफर करने के 3 सोर्स हैं। आपको टोकन लेके सफर करना होता है या फिर आपके पास मेट्रो कार्ड होता है। जो टोकन का सिस्टम है ये देखिए, यहाँ पे पैसे देके आप खुद से टोकन निकाल सकते हैं अगर ज़्यादा भीड़ है तो। सेकेंड थिंग, आपके पास जो है ये आपका जो है टोकन काउंटर है, यहाँ पे आप टोकन ले सकते हैं। देखिए बगल में भाई अपना कार्ड रिचार्ज कर रहा है, यहाँ पे आप पैसे देंगे और आपको कहाँ जाना है उसका टोकन मिलेगा। और थर्ड जो है ये कार्ड ऑप्शन इसलिए है क्योंकि आपको लंबी लाइनों से बचाव होगा और इस कार्ड के थ्रू आप आराम से बिना लाइन लगे ही ये काम कर सकते हैं। और ये कार्ड आपको यहाँ पे मिलेगा, मात्र 150 रुपये में कार्ड बनता है, जिसमें कि 100 रुपया कार्ड का बैलेंस रहेगा और 50 रुपये कार्ड के चार्ज किए जाते हैं। इसके बाद आपको एंट्री गेट पे जाना होता है और उसके बाद हमारा सामान और हमें स्कैन किया जाता है। उसके बाद आप एंट्री गेट पे आते हैं और ये हमें गेट है जो कि मेट्रो स्टेशन के अंदर जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये स्क्रीन है, यहाँ पे मैं कार्ड टच किया हूँ। अगर आपके पास टोकन है तो यहाँ पे टच करेंगे। मेरे कार्ड में देखिए अभी 101 रुपये बैलेंस है और कार्ड से सफ़र करने से बहुत फ़ायदे हैं। और अब देखिए आपको मैप का सहारा लेना पड़ेगा। मैप में अभी जैसे मैं हूँ कहाँ पे, ये देखिए जीटीबी नगर गुरु तेज बहादुर नगर, अब मुझे जाना है यहाँ पे नई दिल्ली। और ये देखिए लाइन पूरी येलो है, तो मैं लाइन चेंज नहीं करूँगा, पूरी येलो लाइन में जाऊँगा। और ये जो पड़ता है प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ, हुंडा सिटी सेंटर की तरफ, तो मैं अभी उधर की ओर जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आगे क्या है। तो 1 नंबर नीचे है, तो मैं अभी ये देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ जा रहा हूँ। मेट्रो में सफ़र करना दोस्तों बहुत ही आसान है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। ये देखिए एक ट्रेन चली गई है और अब देखिए ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर, देखिए हुंडा सिटी सेंटर की ओर है। ये देखिए ब्लैक में जो ऊपर दिखा रहा है, मतलब हमें उधर की ओर जाना है और हमें जो जाना है आगे। तो कुछ देर में अभी ट्रेन आने वाली है हमारी, एटलीस्ट 5 मिनट के अंदर हर एक ट्रेनें आती हैं। तो अभी देखिए कुछ देर में हमारी ट्रेन आएगी और इसके अंदर हम जाएंगे। फिर ट्रेन के अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं, कैसे बैठना है, कहाँ क्या करना है, नहीं करना है, वो सारी बातें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो ये हमारी ट्रेन आके रुक गई है, ये ट्रेन नंबर 8 है, देखिए इसमें लिखा है, और हम ये अंदर आ गए हैं। और अभी कोरोना चल रहा है तो इसके कारण देखिए एक सीट यहाँ पर बैठना मना है कोविड-19 के कारण, मतलब गैप का मेंटेन किया जा रहा है मेट्रो स्टेशन में, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। और अब हमारी ट्रेन खुल चुकी है और सबसे अंदर ट्रेन में जो गाइडलाइन है गेट के पास, आपको ये देखिए ये काफ़ी हेल्पफुल करती है। जो रेड है, मतलब जो रेड दिखा रहा है, मतलब वो स्टेशन क्रॉस कर चुकी है, और जो ग्रीन है मतलब वहाँ से खुली है, और ये जो ब्लिंक कर रही है आपकी, इसका मतलब ये है कि आगे वाला वो स्टेशन आने वाला है। और खुद देखिए अगर आपको लाइन चेंज करना है, जैसे रेड लाइन जाना है तो आपको कश्मीरी गेट पर उतरना पड़ेगा। तो और ये देखिए लास्ट में कहाँ तक जाएगा, हुंडा सिटी सेंटर, तो ये लास्ट में यहाँ ब्लिंक कर रहा है, मतलब ये लास्ट यहाँ तक जाएगी। तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है कि कहाँ जाना है, किस स्टेशन पे है, वो चीज़ हम देख सकते हैं इसके थ्रू, गेट पे ही लगा रहता है। एंड सेकेंड थिंग ये है कि आपको यहाँ पे स्लाइड में ये लगा रहता है कि क्या है नहीं है, अगला स्टेशन कौन सा आने वाला है, क्या है नहीं है। और दूसरी बात, अनाउंस भी होता है कि अगला स्टेशन कौन सा आने वाला है, जैसे इस पर लिख रहा है नेक्स्ट स्टेशन विश्वविद्यालय है, तो आप वो देख सकते हैं। देखिए विश्वविद्यालय आ गया है, जो उतरने वाले उतर गए, चढ़ने वाले चढ़ गए। बट कोरोना के कारण अभी मेट्रो में भी थोड़ी भीड़ की कमी है और गेट ऑटोमेटिक लॉक होता है और चलती रहती है। तो एक हिसाब से मेट्रो में इसलिए सफ़र करना चाहिए क्योंकि ये आपके समय को बचाती है और पंक्चुअल टाइम पे आप कहीं जा सकते हैं। और सेकंड थिंग, गेट अगर भीड़ ज़्यादा होती है तो गेट के पास सावधानी हमें बरतना है, गेट से कहाँ पे दूर रहना है। इमरजेंसी यहाँ पे वो बटन लगे रहते हैं, अगर आपको कुछ परेशानी है तो उसको दबा सकते हैं आप। उतरते वक्त सावधानी बरतनी है। तो हर एक चीज़, आप पहली बार सफ़र करेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ आपको पता चलते रहेगा कि कहाँ क्या है नहीं है। और ये जो साइड में देखिए कॉर्नर के जो 2 सीट्स रहते हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व रहते हैं, फॉर लेडीज़ ओनली, या फिर हैंडीकैप्स या फिर जो भी है उनको, ये स्पेशल उनके लिए रिजर्व रहता है। और ये देखिए अगला स्टेशन आ चुका है, गेट ऑटोमेटिक खुला है, चढ़ने वाले चढ़ेंगे, उतरने वाले उतरेंगे। हार्डली 20 सेकंड का टाइम स्टॉप होने का रहता है, बट आई थिंक कम भीड़ रहने के कारण 10 सेकंड भी यहाँ पे मतलब ट्रेन रुकती है और उसके बाद फिर आगे की ओर चलती है। तो देखा जाए काफ़ी आसान है यात्रा करना, और जब पहली बार आएंगे धीरे धीरे आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या होता है, कैसे होता है, नहीं होता है, और जो भी चीज़ है। तो अब देखिए इसी तरह स्टेशन पे रुकती है, आती है, नहीं जाती, देखिए तो इन चीज़ों को पालन करना। देखिए लेडीज सीट है, वहाँ पे आके बैठे हैं। अब हम कुछ ही देर में नई दिल्ली पहुँचने वाले हैं और वहाँ पे उतरेंगे और उसके बाद फिर अपने गंतव्य पे जाएंगे। तो मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ बहुत जल्दी कि स्टेशन पे उतरूँ।
तो ये देखिए फाइनली हम नई दिल्ली आ चुके हैं दोस्तों, और काफ़ी मज़ा आने वाला है। और सुसाइड के केस होने के कारण ये देखिए स्टेयर्स पहले ही जो शील्ड लगाए गए हैं ताकि कोई ट्रेन के आगे कूद ना जाए। अब उतरने के साथ हमें जैसे एरो दिया रहता है, बहुत सारे गेट निकलने के होते हैं, इसी तरह जैसे कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाना है तो मुझे इधर की स्टेयर्स पकड़नी होगी फिर मैं जाऊँगा। इसी तरह मेट्रो स्टेशन ज़मीन के ज़्यादातर अंदर बने रहते हैं तो आपके बहुत सारे गेट एंट्री के रहते हैं, और उसी तरह एग्जिट्स के भी होते हैं, तो आपको किस गेट से जाना है नहीं जाना है उसके लिए आपको उसको देखना है जाना है, और ओनली एग्जिट के लिए। एग्जिट के लिए यहाँ पे दो चीज़ होता है, जिसके पास कार्ड है तो वही सेम वहाँ पे कार्ड को टच करना है, बट टोकन वाले जो हैं वो वहाँ पे एक छोटे से होल टाइप का बना रहता है उसके अंदर टोकन गिराएंगे, गेट ऑटोमेटिकली खुलेगा, उसके बाद आप बाहर जाएंगे। जैसे मैं दिखाऊंगा अभी, ये देखिए यहाँ पे छोटा सा होल आपको दिख रहा होगा, और मैं यहाँ पे कार्ड टच करूंगा। जब उस समय मेरे बैलेंस थे 101 रुपये, ये देखिए 27 रुपये कटे हैं मेरे, मतलब मेरे को 3 रुपये का फायदा हुआ। मतलब आज कार्ड से सफर करते हैं तो आपको 10% का फायदा होता है, एंड सेकेंड थिंग संडे और हॉलीडे इन दिनों में आपको 20% का फायदा होता है। तो मेरे हिसाब से कार्ड्स वेरी बेनिफिशियल है। अब ये देखिए नई दिल्ली स्टेशन की ओर जाने वाली, तो मैं इसी को पकड़ते पकड़ते मैं बाहर जाऊंगा। तो देखा जाए तो काफ़ी फायदा है, कार्ड से आपको लंबी लाइनों से बचाव मिलेगी, साथ में आपके पैसे बचेंगे। तो मेरे हिसाब से 150 रुपये में कार्ड बनाने में काफ़ी फायदा है, और जहाँ पे एग्जिट्स रहता है वहाँ पे आप धीरे धीरे बाहर की ओर निकलेंगे, और इस तरह हम अब देखिए बाहर की ओर आ गए हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको हर एक सारी जानकारी दी जाए जो पहली बार ट्रेवल करने वाले हैं। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स या सवाल हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, आपके जवाब को 100% दिया जाएगा। और ये वीडियो कैसी लगे हमें ज़रूर बताएं, लोगों के बीच भी शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।